हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म कचौरियाँ। तो इसके लिए हमने आटा गूंथ करके रख लिया है, जिसे बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और साथ में हमने सत्तू तैयार किया है। सत्तू तैयार करने के लिए हमने तेल गर्म किया है और उसमें अजवाइन का चोखा लगा करके सत्तू डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और ज़रा सा पानी छिड़कते हुए उसे हल्का हल्का सा गीला किया है और उसे उतार करके हमने भरावन बना लिया है। अब इसे भरेंगे हम लोग और रखते जाएंगे और छोटी छोटी कचौरियाँ बेलेंगे। देखिए, गोल गोल करके छोटे छोटे कचौरियाँ बेलना है और रखते जाना है। फिर इसे हम गर्म तेल पर तलेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आँच हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे हम धीमे धीमे से तलेंगे। तो चलिए तलते हैं। हमने पूड़ियाँ डाली, एक साथ हम 6-7 डाल सकते हैं और इसे हम फ्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे हम चलाएंगे सावधानी से ताकि दोनों ओर अच्छी तरह से पक जाए। हमारा कचौड़ी जो है कुरकुरा और मज़ेदार होना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कचौड़ी। अब इसे उतार लेंगे। हमारा कचौड़ी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे अलग बर्तन से और रख लेंगे। और इसी तरह हम जितने भी कचौड़ियाँ हमने बेली है वो सबको तल करके निकाल लेंगे। देखो कितना ही अच्छा लग रहा है कचौड़ी। खाने में भी सुंदर है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लीजिए। बाय।